तो फाइनली अब मैं परफॉर्म करूंगा। हम गरबा में हमारे एक सीक्वेंस है So this is Ishmael Chauhan and I'm back with a new vlog again. So basically अभी दोबारा से आज एक शो है, डांस शो है। आज हमारा IG स्टेडियम में एक शो है, हमारे दो तीन एक्टर जो हमें परफॉर्म करने हैं। तो बेसिकली अभी मॉर्निंग कॉल टाइम है 6 AM का, मालवीय नगर आसमा डांस कंपनी। तो फिलहाल 5-10 मिनट लेट ही हूँ, मतलब अभी हो गए हैं 6:45, तो पहुँचते 6:15 अराउंड हो जाएंगे। तो उसके बाद में अपना थोड़ा वॉशरूम का पैकअप करना है, वॉशरूम वगैरह पैक करनी है एंड प्रॉप्स वगैरह पैक करने हैं। फिर उसके बाद में हम पहुंचेंगे IG स्टेडियम, वहां जाके हमारा होगा टेक्निकल। तो कल सुबह 6 बजे पहुंचना था, इसलिए मैं अपने घर ना जाकर आ चुका हूँ अपने नाना के घर, जो कि है खानपुर संगम विहार में। तो अभी वही वहाँ से सैनिक फार्म पड़ते हैं और वहाँ से अंदर की तरफ से रास्ता जाता है। बेसिकली मैं दोबारा से एक मोड पे आके खड़ा हो चुका हूँ कि मुझको अब डिसाइड करने के लिए जाना क्या है। तो अभी मैं मैप में देख लेता हूँ कि किधर को जाना है, देन आपको सीधा मिलता हूँ मैं आसमा डांस कंपनी में। सो ये सर जितने भी गलियाँ हैं ना, इनसे एक बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि जब भी हम नाना नानी के घर आते थे तो मॉम वगैरह साथ होती थी, पूरी मासी की फैमिली साथ होती थी, मेरे ऐसे कंधे में बैग डाल रखे होते थे। तो मतलब बहुत यादें हैं यार, लिटरली जब मैं आया यहाँ पे, बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं अपने नाना नानी के यहाँ पे, तो एकदम ऐसे आग सी भराई थी एक बारी को, तो क्योंकि याद आ जाती है यार सारी चीज़ें कि हम पहले कितने लोग आया करते थे नाना नानी के घर घूमने और मज़े करते थे। बट अभी मैं अकेला हूँ और नाना नानी का घर भी एक अकेला से ही खाली सा हो चुका है, तो थोड़ा फील होता है काफ़ी। तो लेट्स गो। और सबसे बढ़िया लगती है ये मॉर्निंग के जो खाली रोड होते हैं ना, ओए, और जो ठंडी हवा चल रही है और साइड में अभी सूरज जी हमारे आए हैं, सनराइज हुआ है, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। एक ऑरेंज शेड ये लगा रहा है, मैं कैसे दिखा पाऊंगा। दिल्ली भी आ चुका हूँ मैं स्टूडियो में, मतलब अपना आसमा डांस कंपनी में। तो ये पूरा कॉस्ट्यूम रूम है, अब देख रहे हो ये सारे ऊपर कॉस्ट्यूम है, नीचे भी कॉस्ट्यूम है। ये हमारे बैग पैक हो रहे हैं, आधा बैग हमने कल पैक कर लिया था, अभी आधा रहता है भाई। सब कॉस्ट्यूम्स है, कैप्स वगैरह, यहाँ हर कुछ मिलेगा, हर तरीके की कॉस्ट्यूम मिलेगी। जैसे भी छोटा सा रूम इस कॉस्ट्यूम का देख रहा हूँ, ऐसे पता नहीं कितने रूम होंगे जिनमें सिर्फ कॉस्ट्यूम पड़ी होगी। उसके अलावा फिर मैं आपको स्टोरी दिखाई, एक बार कंपनी दिखाई देता हूँ अच्छे से। तो अपना बैक एरिया है, उसके बाद में ऑफिस है, लाइट्स वगैरह पता नहीं हो रहा, ऐसे मैं ऑन भी नहीं कर सकता यार, क्योंकि परमिशन ही नहीं है अंदर जाने की। और ये सब इनका वर्क है, जितने भी लोगों ने काम किया है आसमा के साथ में, बहुत लोग हैं इसमें। सो ये रहा आसमा डांस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हम चलेंगे आपको प्रॉप्स, वैसे तो प्रॉप्स सारे यहाँ पड़े नहीं हैं, ये मेन ऑफिस है, अंदर एक बंदा सो रहा है। उसके बाद में ये सब प्रॉप्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हो मटके है एंड बहुत कुछ है, जैसे वो ड्रम वगैरह है, ऐसे पता नहीं कितने अच्छे अच्छे कितने तगड़े तगड़े प्रॉप्स पड़े हुए हैं। जैसे ये पोंपों है और क्या है, और कल हमारे आज के प्रॉप्स जो है वो है ये, दो शोर में मचा, या देखिए वो ढाल है, बाहुबली की ढाल, तलवारें भी होगी, मेरी तलवार एंड उसके अलावा वो रहे गहने हैं जो हम पहनेंगे। तो सिर्फ एक स्टूडियो नहीं है ऐसे, बहुत मतलब स्टूडियो में ही रिहर्सल होती है और ऐसे आसपास स्टूडियोज है जहाँ रिहर्सल होती है, बट प्रॉप्स तो भाई बहुत ज़्यादा है और पता नहीं कितनी जगह पड़े हुए हैं, मुझे खुद को नहीं पता तो मैं आपको यह बताऊँगा। तो ऐसे प्रॉप्स तो जाना जाने कितने ही है, तो ये आसपास कंपनी है, बट फिलहाल अभी सिर्फ मैं पहुँचा हूँ अकेले। तो सोच रहा था लेट पहुँचूँ, पर मैंने कहा नहीं यार पहले पहुँच जाता हूँ, कोई सीन नहीं, क्योंकि सुबह का कोल्ड टाइम है, फिर सुबह ऐसे डांट खाओ ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो सही है सीन। फिर अभी थोड़ी देर बैठता हूँ एंड फिर कुछ बाहर जाके खा के आता हूँ, कुछ खाया नहीं है। तो फिलहाल आज का व्लॉग पूरा कंप्लीट रखूँगा, हर बारी क्या सीन होता है कि व्लॉग पूरा कंप्लीट हो नहीं पाता मेरे से, क्योंकि मैं प्रैक्टिस वगैरह का बना लेता हूँ, बाद में दिक्कत हो जाती है, बट आज किसी ना किसी को पकड़ा दूंगा।
थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस जो भी रहेगी और रिहर्सल जो मैंने करी है वो भी, और वहाँ क्या सीन रहेगा वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। एंड सो टाटा, मिलते हैं वापसी। मतलब यार बीच में हमने जब कॉस्ट्यूम वगैरह पैक करे थे उस टाइम पे इतना टाइम मिल नहीं पाया कि मैं आपको दिखाता। तो फिलहाल अभी हम हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में और ये हमारे दोस्त शताब खान खान, ये रहे हमारे भाई मैं लोनीवाल। तो फिलहाल ये हमारा वेन्यू है, ये हमारा पूरा स्टेडियम है जहाँ पे आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम भाई, स्टेज देख रहे हो, मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर कोई बैठेगा ना जो हमारी वीडियो बना सकता है परफॉर्म करते हैं, मैं बिल्कुल बनवाऊँगा। और ये है हमारा बैक स्टेज, बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको। जब लोग एंट्री हो रहे होंगे ये सब करने के, तो पहन लिया अभी हम सब लोगों ने ड्रेस, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है। पर भाई तो भाई हमारे भी करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना। तो पहली परफॉर्मेंस हमारी है गणेश वंदना, देन उसके बाद दूसरी ड्रेस चेंज करेंगे। तो फिलहाल ये गेटअप है, भाई का पूरा पहना हुआ आप देख सकते हो, अपर बॉडी सूट। और ये तो फिलहाल वही रिहर्सल कर रहे हैं, सब याद कर रहे हैं। और मैं चार्ज, अब मेरी मेरी ड्रेस, मेरे ऊपर टी शर्ट पहन रखी है। तो फिलहाल चार्ज कर लेते हैं फ़ोन, और लड़कियाँ सुंदर बनने की कोशिश कर रही है जो कि बन नहीं सकती। पीछे देखा होगा कि कितना क्राउड आ रखा है, और सीरियसली इतना क्राउड है, फर्स्ट टाइम ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे। मानते कि सेंटर नहीं है या फिर कुछ नहीं है, बट परफॉर्म तो परफॉर्म होता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा। तो फिलहाल अभी हमारी परफॉर्मेंस है जो कि स्टार्ट हो चुकी है, मतलब मेरी नहीं हुई है, हमारे बाकी लोगों की। जब हम कर रहे थे तब तो मैं बना नहीं पाता,
बट हमारे फ्रेंड्स लोगों का भी रेट्रो है तो मैं उसकी वीडियोस आपको बना के दिखाता हूँ। तो फिलहाल हमारी जो परफॉर्मेंस है हम सब लोग करके आ गए हैं, बट अभी हमारे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं रेट्रो करने, तो उस टाइम तो हम अपनी वीडियो बना नहीं पा रहे थे, बट इनकी वीडियो में बना के आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। बाकी आपको ऑडियंस दिखाता हूँ, पीछे पूरी की पूरी ऑडियंस है, पूरी की पूरी ऑडियंस है, जो हमारे बंदे जा रहे हैं परफॉर्म करने वो ये रहे। बाकी आगे दिखाते हैं, पुनर्जन्म हो जा ओ खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला, लिखे बंद बदल का तारा, खई के पान बनारस वाला, लिखे बंद बदल का तारा, दिल का
तो भाई अभी वापस आ चुके हैं आसमान डांस कंपनी में, और अभी आपको मतलब कैब में थोड़ी सी छोटी सी नींद आ गई थी क्योंकि भाई बहुत थका हुआ हूँ। तो फिलहाल तो चार्जर रह गया मेरा संगम विहार अगेन नाना के घर पे, पर हिम्मत नहीं है मैं वहाँ पे जाऊँ, तो मैं सीधे घर को ही निकल रहा हूँ और इस छोटे से ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जितना कोशिश करी मैंने दिखा सकता था मैंने दिखाया, बाकी कुछ रिहर्सल की वीडियोज़ भी डालूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, और ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। बाय बाय।